दिवस पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने विकास भवन परिसर में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, CDO संजय कुमार मीणा, DFO विकास यादव, ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम शपथ लेंगे। जब मैं बोलूंगा तो आप अपना नाम ले सकते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। मैं शपथ लेती हूँ कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूँगी और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करती रहूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगी। वर्ग भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों थोड़ा सा आगे हो जाएगा, बस भी जीत जाएगी। मंत्री जी इधर छोड़िए सर। मंत्री जी इस संबंध में मीडियाकर्मी से बात करते हुए गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया। वीर सपूतों को याद करते हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद कराया, हमको खुली हवा में सांस लेने के लिए अवसर प्रदान किया। हम अपने तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं जिनके अथक प्रयासों के कारण
आज हम ये दिन देखने में सफल हुए हैं। आज हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह को भी नमन करते हैं कि जिन लोगों की कुर्बानियों के कारण विशेष रूप से हमको ये अवसर मिला है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने आखिरी सांस गोरखपुर में ली है और मैं जिस जनपद से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ से मैं विधायक हूँ, उस जनपद में पहली सांस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ली है। आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि जिन हमारे उन वीर सपूतों ने, उन महामानवों ने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया था, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज मैं समझता हूँ कि उनकी कुर्बानियों को मैं लगातार प्रतिफलित होता हुआ देखता हूँ। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, हमारी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है और हर तरह से भारत तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। आज हम स्पेस पे चंद्रयान 3 भेजने में सफल हुए हैं। हर तरह से टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो और चाहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का क्षेत्र हो, हर तरह से भारत ने एक तरक्की की इबारत लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में।